दोस्तों, अल्फा सेंटोरी हमारे सौरमंडल से सबसे नजदीक में मौजूद स्टार सिस्टम है, जो कि हमारे सौरमंडल से केवल 4.3 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है। जहां हमारे सौरमंडल में केवल एक ही तारा मौजूद है, वहीं अल्फा सेंटोरी एक ट्रिपल स्टार सिस्टम है, जहां तीन तारे मौजूद हैं और इन्हीं में से एक तारा है प्रोक्सिमा सेंटोरी, जिसके ऑर्बिट में वैज्ञानिकों ने हमारे पृथ्वी की ही तरह एक हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट खोजने का दावा किया है। ऐसे में चलिए दोस्तों हमारे साथ एक रोमांचक सफर में, जहां हम हमारे सौरमंडल से सबसे नजदीक में मौजूद स्टार सिस्टम की यात्रा कर वहां मौजूद स्टार्स और उनका चक्कर लगा रहे पॉसिबल एक्सोप्लैनेट्स के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अल्फा सेंटोरी सिस्टम में दो मुख्य तारे मौजूद हैं, जिन्हें अल्फा सेंटोरी ए और अल्फा सेंटोरी बी के नाम से जाना जाता है। ये दोनों ही तारे हमारे सूर्य की तरह ही एक मेन सीक्वेंस स्टार है, जो कि हमारे सौरमंडल से करीब 4.35 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है। वहीं इस स्टार सिस्टम का तीसरा तारा एक रेड ड्वार्फ स्टार है, जिसे प्रोक्सिमा सेंटोरी या अल्फा सेंटोरी सी के नाम से जाना जाता है। प्रोक्सिमा सेंटोरी हमारे सौरमंडल से लगभग 4.25 लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है, जो कि इसे हमारे सूर्य से सबसे नज़दीक में मौजूद स्टार बनाता है। अगर हम इस स्टार सिस्टम के फॉर्मेशन की बात करें, तो वैज्ञानिकों का मानना है कि इस सोलर सिस्टम का निर्माण हमारे सूर्य से लगभग 200 मिलियन सालों पहले हुआ था, यानी कि ये स्टार सिस्टम हमारे सौरमंडल से भी पुराना है। नग्न आँखों से देखने पर अल्फा सेंटोरी ए और अल्फा सेंटोरी बी एक ही स्टार के रूप में नजर आते हैं, जो कि सीरियस और कैनोपस के बाद हमारे रात के आसमान में दिखाई देने वाला तीसरा सबसे चमकीला स्टार है। अल्फा सेंटोरी ए और अल्फा सेंटोरी बी एक बाइनरी स्टार सिस्टम का हिस्सा है, जो कि एक दूसरे से ग्रेविटेशनली बाउंड है और एक कॉमन ऑर्बिट में एक दूसरे का चक्कर लगाते हैं। ये दोनों ही तारे एक दूसरे से औसतन 23 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर मौजूद रहते हैं। अनुमान के लिए मैं आपको बता दूं कि ये दूरी हमारे सूर्य और यूरेनस प्लैनेट की दूरी जितनी ही है, जहां क्लोजेस्ट अप्रोच के दौरान ये दोनों ही तारे एक दूसरे से 11 AU की दूरी पर आ जाते हैं। वहीं इन दोनों स्टार्स के बीच की मैक्सिमम दूरी लगभग 35 AU के बराबर मापी गई है। ये दोनों ही तारे लगभग 80 सालों में अपने कॉमन सेंटर ऑफ ग्रेविटी के चारों ओर अपना एक ऑर्बिट पूरा करते हैं। इस स्टार सिस्टम का सबसे बड़ा तारा है अल्फा सेंटोरी ए, जिसे राइगल कैंटोरस नाम से भी जाना जाता है। ये स्टार हमारे सूर्य की तरह ही एक येलो कलर का G2 टाइप मेन सीक्वेंस स्टार है। ये तारा आकार में हमारे सूर्य से लगभग 22% और वहीं मास में करीब 10% बड़ा है। वहीं अगर हम ल्यूमिनियोसिटी यानी इस तारे की चमक की बात करें, तो ये हमारे सूर्य से करीब 1.5 गुना ज़्यादा चमकीला है। वैज्ञानिकों के अनुसार अल्फा सेंटोरी ए तारे के ऑर्बिट में एक सुपर अर्थ और एक मिड अर्थ कैटेगरी के दो पॉसिबल एक्सोप्लैनेट्स मौजूद हो सकते हैं। ये दोनों ही एक्सोप्लैनेट कैंडिडेट्स रॉकी और मेटेलिक एक्सोप्लैनेट्स हो सकते हैं, जिनमें से एक ग्रह अपने तारे के हैबिटेबल जोन में इसका चक्कर लगाता है। अभी तक अध्ययनों के दौरान वैज्ञानिकों को इन एक्सोप्लैनेट कैंडिडेट्स के बारे में ज़्यादा जानकारियां नहीं मिल पाई हैं, और इसी वजह से इनके साइज के अलावा इनके नेचर एटमॉस्फेयर के बारे में हमारे पास ज़्यादा जानकारियां मौजूद नहीं हैं। वहीं इस बाइनरी स्टार सिस्टम का दूसरा स्टार अल्फा सेंटोरी बी है, जिसे टोलीमैन के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ऑरेंज कलर का K1 टाइप मेन सिक्वेंस स्टार है। ये हमारे सूर्य से डायमीटर में करीब 14%, वहीं मास में करीब 10% छोटा है। वहीं अगर हम ल्यूमिनियोसिटी यानी चमक की बात करें, तो ये हमारे सूर्य से 50% कम चमकीला है। 2012 में कुछ वैज्ञानिकों ने अल्फा सेंटोरी बी तारे के ऑर्बिट में एक पॉसिबल एक्सोप्लैनेट को ढूंढने का दावा किया था, पर 2015 में इस दावे को नकार दिया गया, और अभी तक इसके ऑर्बिट में मौजूद किसी भी पॉसिबल एक्सोप्लैनेट को कंफर्म नहीं किया गया है। वहीं इस स्टार सिस्टम का तीसरा स्टार है अल्फा सेंटोरी सी, जिसे कि प्रोक्सिमा सेंटोरी के नाम से भी जाना जाता है। ये एक स्मॉल मेन सीक्वेंस रेड ड्वार्फ स्टार है, जो कि आकार और मास में इस सिस्टम का सबसे छोटा तारा है।
रेड ड्वार्फ स्टार्स हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में पाए जाने वाले सबसे कॉमन स्टार्स हैं। ये आकार में हमारे सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह जुपिटर से करीब 1.5 गुना बड़ा है, पर यह काफ़ी डेंस है, जिसकी वजह से इसका मास जुपिटर ग्रह के मास से 139 गुना ज़्यादा है। अगर हम सूर्य से इसकी तुलना करें तो ये मास में इसका केवल 12% और आकार में केवल 14% ही है। प्रॉक्सिमा सेंटोरी एक डिम स्टार है, जो कि हमारे सूर्य की तुलना में बेहद ही कम चमकीला है, जिसकी वजह से इसे नग्न आँखों से देख पाना संभव नहीं है। प्रॉक्सिमा सेंटोरी स्टार मुख्य अल्फा सेंटोरी बाइनरी स्टार्स से करीब 13,000 AU या 0.2 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है। इस वजह से इसे इन स्टार्स का एक चक्कर पूरा करने में करीब 5,00,000 सालों का समय लग जाता है। ऐसे में आपके मन में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि कहाँ एक तरफ इस ट्रिपल स्टार सिस्टम के दो तारे अल्फा सेंटोरी ए और अल्फा सेंटोरी बी एक दूसरे के केवल 23 AU की दूरी पर मौजूद हैं, वहीं इसका तीसरा स्टार इन दोनों ही तारों से 13,000 AU की दूरी पर मौजूद है। पर इतनी ज़्यादा दूरी पर मौजूद होने के बावजूद प्रॉक्सिमा सेंटोरी को इस अल्फा सेंटोरी स्टार सिस्टम का एक हिस्सा क्यों माना जाता है? प्रॉक्सिमा सेंटोरी की इतनी ज़्यादा दूरी पर मौजूद होने की वजह से वैज्ञानिकों के बीच ये मतभेद है कि क्या वास्तव में इस स्टार का जन्म इस सिस्टम में हुआ था या फिर यह सिर्फ एक रोग पासिंग स्टार ही है जो कि अल्फा सेंटोरी स्टार सिस्टम के नज़दीक से गुजर रहा है और कुछ लाखों सालों के बाद वो इस स्टार सिस्टम से काफ़ी ज़्यादा दूर चला जाएगा। ज़्यादातर वैज्ञानिकों का मानना है कि प्रॉक्सिमा सेंटोरी इसी अल्फा सेंटोरी स्टार सिस्टम का एक हिस्सा है, जो कि एक बेहद ही लॉन्ग ऑर्बिट में अल्फा सेंटोरी बाइनरी स्टार्स का चक्कर लगाता है। खैर, वैज्ञानिक लगातार इस स्टार सिस्टम का अध्ययन कर रहे हैं, ऐसे में आने वाले कुछ समय में हमें ये पता चल जाएगा कि असल में ये स्टार इस अल्फा सेंटोरी सिस्टम का एक हिस्सा है या नहीं। अन्य रेड ड्वार्फ स्टार्स की तरह ही प्रॉक्सिमा सेंटोरी भी एक बेहद ही वेरिएबल स्टार है, जो कि समय समय पर भयानक सोलर फ्लेयर्स, विंड्स और रेडिएशन छोड़ता रहता है, जिसकी वजह से धरती से किए जाने वाले ऑब्जर्वेशंस के दौरान समय समय पर इसके ब्राइटनेस में भयंकर उतार चढ़ाव को नोटिस किया गया है। ये फ्लेयर्स और रेडिएशन बेहद ही शक्तिशाली और ख़तरनाक होते हैं, जो कि अपने ऑर्बिट में मौजूद प्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर और वहाँ मौजूद जीवन को कुछ ही समय में ख़त्म करने की ताकत रखते हैं। ऐसे में वैज्ञानिक मानते हैं कि रेड ड्वार्फ स्टार्स का चक्कर लगा रहे एक्सोप्लैनेट्स पर किसी प्रकार के जीवन की पनपने की बेहद ही कम संभावनाएं हैं। पर ऐसा नहीं है कि इन रेड ड्वार्फ स्टार्स के ऑर्बिट में मौजूद प्लैनेट्स पर जीवन नहीं पनप सकता। ये रेड ड्वार्फ स्टार्स बेहद ही डिम होते हैं, जो कि धीरे धीरे जलते हैं, और इसी वजह से इनकी उम्र हमारे सन जैसे स्टार्स की तुलना में कई हजारों गुना ज़्यादा होती है। ऐसे में ये स्टार्स कई ट्रिलियन सालों तक अपने ऑर्बिट में मौजूद प्लैनेट्स को अपनी रोशनी से जगमग करते रहते हैं। ऐसे में इन रेड ड्वार्फ स्टार्स के ऑर्बिट में मौजूद प्लैनेट्स पर किसी प्रकार के जीवन को पनपने के लिए एक काफ़ी लंबा समय मिल जाता है। ऐसे में इवोल्यूशन के दौरान इन स्टार्स के ऑर्बिट में मौजूद प्लैनेट्स पर खास तरह के जीवन पनप सकते हैं, जो कि खतरनाक हालातों में भी जीवित रह सकें। साथ ही ये रेड ड्वार्फ स्टार्स बेहद ही डिम होते हैं, जिसकी वजह से धरती पर मौजूद टेलीस्कोप्स की मदद से इन तारों का चक्कर लगा रहे एक्सोप्लैनेट्स का अध्ययन करना बेहद ही आसान होता है, और इसी वजह से वैज्ञानिक प्रॉक्सिमा सेंटोरी, ट्रैपिस्ट 1 और ग्लीज 581 जैसे रेड ड्वार्फ स्टार्स और उनके ऑर्बिट में मौजूद एक्सोप्लैनेट्स का अध्ययन करने में खास रुचि दिखाते हैं। और हो सकता है कि आने वाले भविष्य में हम एक रेड ड्वार्फ स्टार के ऑर्बिट में एक्सोप्लैनेट पर सबसे पहले जीवन की खोज कर लें। वैज्ञानिक कई सालों से प्रॉक्सिमा सेंटोरी सिस्टम का करीबी से अध्ययन कर रहे थे और सबसे पहले 2008 और 2009 में हुई एक स्टडी में उन्होंने इस तारे का चक्कर लगा रहे एक पॉसिबल एक्सोप्लैनेट की बात को दुनिया के सामने रखा, पर उस समय कोई ठोस प्रूफ नहीं होने की वजह से इसे वैज्ञानिकों द्वारा नकार दिया गया। इसके बाद 2016 में
चिली में मौजूद यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी की मदद से वैज्ञानिकों के एक दल ने प्रोक्सिमा सेंटोरी का चक्कर लगा रहे इस पॉसिबल एक्सोप्लैनेट पर अध्ययन शुरू किया। रेडियल वेलोसिटी मेथड का उपयोग कर वैज्ञानिकों ने इस स्टार सिस्टम के ऑर्बिट का अध्ययन किया और आखिरकार अगस्त 2016 में इस तारे का चक्कर लगा रहे एक रॉकी एक्सोप्लैनेट की बात को कंफर्म कर दिया गया। इस एक्सोप्लैनेट को प्रोक्सिमा सेंटोरी बी नाम दिया गया, जो कि आकार में हमारे धरती से करीब 1.3 गुना विशालकाय है। सबसे खास बात यह है कि ये हमारे सौरमंडल के इनर प्लैनेट्स की तरह ही एक रॉकी वर्ल्ड है, जो कि अपने तारे के हैबिटेबल जोन में उसका चक्कर लगाता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि किसी तारे का हैबिटेबल जोन उस तारे का एक ऐसा रीजन होता है जहां न तो ज़्यादा गर्मी पड़ती है और न ही ज़्यादा ठंडी, यानी कि इस रीजन में चक्कर लगाने वाले प्लैनेट्स पर एक एवरेज तापमान रहता है जहां लिक्विड वाटर इसके सरफेस में लिक्विड फॉर्म में रह सके, जो कि किसी प्रकार के जीवन के पनपने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट माना जाता है। प्रोक्सिमा सेंचुरी बी अपने तारे से 7.5 मिलियन किलोमीटर या 0.05 AU की एवरेज दूरी पर मौजूद है, जिसे इसका एक चक्कर पूरा करने में करीब 11.2 दिनों का समय लगता है। इस एक्सोप्लैनेट के सरफेस का एवरेज तापमान -39 डिग्री सेल्सियस से -50 डिग्री सेल्सियस के बीच हो सकता है। सालों तक अध्ययन के बावजूद वैज्ञानिकों को इस प्लैनेट के एटमॉस्फेयर को लेकर कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं। रेड ड्वार्फ स्टार्स कम चमकीले और छोटे होते हैं, जिसकी वजह से इनका हैबिटेबल जोन भी इनसे काफ़ी पास होता है। प्रोक्सिमा सेंटोरी बी भले ही अपने तारे के हैबिटेबल जोन में मौजूद है, पर यह दूरी बेहद ही कम है, जिसकी वजह से वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये एक्सोप्लैनेट अपने स्टार से टाइडली लॉक्ड हो सकता है, यानी कि इसका एक साइड हमेशा अपने तारे की ओर रहता है और दूसरा साइड हमेशा अपने तारे की विपरीत दिशा में। अगर प्रोक्सिमा सेंटोरी बी अपने तारे से टाइडली लॉक्ड है, तो ऐसे में इस एक्सोप्लैनेट पर परिस्थितियां बेहद ही अजीबोगरीब होंगी। हमेशा सूर्य की ओर रहने वाले साइड में तापमान बेहद ही अधिक होगा, जहां किसी प्रकार का पानी गैस बनकर स्पेस में उड़ जाएगा, तो वहीं इसके दूसरे साइड पर तापमान बेहद ही कम होगा, जहां किसी प्रकार का पानी आइस के रूप में जम जाएगा, यानी कि इसके दोनों साइड किसी प्रकार के जीवन के पनपने के लिए अनुकूल नहीं होंगे। पर कहानी यहां खत्म नहीं हो जाती। कुछ स्टडीज के अनुसार इस तरह के टाइडली लॉक्ड प्लैनेट्स पर भी एक खास जगह पर जीवन संभव हो सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस तरह के प्लैनेट्स के दोनों साइड्स के बीच में एक थिन लाइन मौजूद होती है, जहां न तो ज़्यादा ठंडी पड़ती है और न ही ज़्यादा गर्मी। ऐसे में इस जगह पर पानी अपने लिक्विड फॉर्म में मौजूद रह सकता है, जो कि किसी प्रकार के जीवन के पनपने के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। और ये भी संभव है कि इस जगह पर हमारे धरती पर मौजूद जानवरों की तरह कोई कॉम्प्लेक्स और इंटेलिजेंट लाइफ मौजूद हो। पर क्या सच में ये एक्सोप्लैनेट हैबिटेबल है या नहीं, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए वैज्ञानिकों को और भी ज़्यादा रिसर्च और अध्ययन करने की ज़रूरत है। वहीं प्रोक्सिमा सेंटोरी बी के अलावा इस तारे का चक्कर लगा रहे दो पॉसिबल एक्सोप्लैनेट कैंडिडेट्स की भी खोज की गई है, जिसे प्रोक्सिमा सेंटोरी सी और प्रोक्सिमा सेंटोरी डी नाम दिया गया है। प्रोक्सिमा सेंटोरी सी एक सुपर अर्थ कैटेगरी का एक्सोप्लैनेट हो सकता है, जो कि मास में हमारे अर्थ से 7 गुना बड़ा है। ये अपने तारे का चक्कर करीब 1.5 AU की दूरी से लगाता है और इसे अपने तारे का एक ऑर्बिट पूरा करने में 1928 दिनों का समय लग जाता है। शुरुआती अध्ययनों के अनुसार वैज्ञानिकों का मानना है कि इस प्लैनेट के इर्द गिर्द सैटर्न प्लैनेट की तरह ही एक रिंग सिस्टम मौजूद हो सकता है। अपने तारे से इतनी दूरी पर मौजूद होने की वजह से वैज्ञानिकों का मानना है कि ये एक्सोप्लैनेट बेहद ही ठंडा और अनहैबिटेबल है, जिसके सरफेस का एवरेज तापमान -200 डिग्री सेल्सियस से लेकर -250 डिग्री सेल्सियस के बीच हो सकता है। इस एक्सोप्लैनेट कैंडिडेट की सबसे पहली खोज इटालियन एस्ट्रोफिजिसिस्ट मारियो डमासो और उनकी टीम द्वारा की गई थी। उनकी टीम ने ESO के हाप्स इंस्ट्रूमेंट की मदद से प्रोक्सिमा सेंटोरी स्टार के रेडियल वेलोसिटी का अध्ययन किया।
अध्ययन के दौरान प्रोक्सिमा सेंटोरी स्टार का चक्कर लगा रहे पॉसिबल सेकेंड प्लैनेट की बात निकलकर सामने आई, पर अभी तक वैज्ञानिकों के पास इस एक्सोप्लैनेट कैंडिडेट के एग्जिस्टेंस को लेकर कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं है और इसी वजह से इसे अब तक फाइनलाइज नहीं किया जा सका है। वहीं इस तारे का चक्कर लगा रहा दूसरा एक्सोप्लैनेट कैंडिडेट प्रोक्सिमा सेंटोरी डी है, जो कि हमारे पृथ्वी से आकार में छोटा एक सब अर्थ कैटेगरी का एक्सोप्लैनेट हो सकता है। ये अपने तारे से केवल 0.029 AU की दूरी पर मौजूद है, जिसे अपने तारे का एक ऑर्बिट पूरा करने में केवल 5 दिनों का समय लगता है। ये प्रोक्सिमा सेंटोरी स्टार के ऑर्बिट में खोजा गया अब तक का सबसे छोटा और इनर मोस्ट एक्सोप्लैनेट है, जिसका मास हमारे अर्थ के मास का केवल 26% है। अपने तारे से बेहद ही करीब मौजूद होने की वजह से वैज्ञानिकों का मानना है कि ये एक इनहैबिटेबल एक्सोप्लैनेट हो सकता है, जिसके सरफेस का एवरेज तापमान 70 डिग्री सेल्सियस से लेकर 90 डिग्री सेल्सियस के बीच हो सकता है। साथ ही अपने तारे से बेहद ही कम दूरी पर मौजूद होने की वजह से ये प्रोक्सिमा सेंटोरी बी की तरह अपने तारे से टाइडली लॉक्ड हो सकता है। हमारे धरती से सबसे नज़दीक में मौजूद स्टार सिस्टम होने की वजह से इसे भविष्य में होने वाले ज़्यादातर इंटरस्टेलर मिशंस, जैसे कि ब्रेकथ्रू स्टारशॉट या किसी प्रकार के इंटरस्टेलर प्रोब मिशन के लिए सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन माना जाता है, और हो सकता है कि आने वाले 50 से 100 सालों में हम इस एक्सोप्लैनेट तक अपना कोई मिशन भेजने में भी कामयाब हो जाएं, जो कि इस एक्सोप्लैनेट को लेकर कई सारे खुलासे कर सकता है। साथ ही हबल टेलीस्कोप से कई गुना शक्तिशाली जेम्स वेब टेलीस्कोप आने वाले कुछ समय में इस एक्सोप्लैनेट का अध्ययन शुरू कर देगा, जो कि इस एक्सोप्लैनेट के एटमॉस्फेयर और कंडीशन को लेकर कई सारे खुलासे कर सकता है। ऐसे में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि इस सोलर सिस्टम से जुड़ी हुई सारी जानकारियाँ हम आप तक सबसे पहले पहुँचा सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।